Hi guys, I'm Neil and welcome back to our YouTube channel Neil Techs. And today I'm gonna review Zen Flair, which I have already unboxed. So let's begin. So I will do this video in Hindi. If you want that I should make this video in English, then you can comment below. I will make the English version also. अगर आपको इसका unboxing वाला video देखना है तो हमने वो भी बनाया था, तो वो आप card में जाकर click कर सकते हैं या फिर आप description में check कर सकते हैं. मैंने link भी दे रखी है उस video की. तो आज मैं इस phone को review करूँगा और ये 1500 rupees का है. जैसे कि आपको पता है बहुत ही अच्छा फ़ोन है 1500 की रेंज में, लेकिन इस फ़ोन को स्मार्टफोन नहीं कह सकते हैं. स्टाइल के मामले में ये हाफ इसका स्टाइल पूरा आईफोन के क्लोन करके बनाया है. इन लोगों ने खुद अपना कुछ नहीं सोचा, इनने जो भी सोचा है वो आईफोन जैसा ही सोचा है. तो स्टाइल के मामले में थोड़ा थोड़ा आईफोन जैसा लगता है. पीछे आपको एक 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बकवास सी LED फ्लैश मिलती है, यहाँ पे जेन ब्रांडिंग मिलता है और आईफोन जैसे स्ट्रिप्स मिलते हैं. फ्रंट की बात करें तो आपको एक 4 इंच की स्क्रीन मिलती है, यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है और यहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं. लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको लेफ्ट साइड में सारे बटन्स मिलते हैं, वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ बटन. ये मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है और ये पूरा बैग भी प्लास्टिक है, लेकिन ये अच्छा मेटल जैसा फिनिश देता है, हालांकि ये मेटल नहीं है. तो वॉल्यूम रॉकर्स दो अलग अलग दिए गए हैं, ए वॉल्यूम अप के लिए ये, वॉल्यूम डाउन के लिए ये, और पावर ऑन ऑफ बटन भी अलग दिया गया है. पीछे देखें तो आपको यहाँ पे एक बड़े से खुले हुए स्पीकर्स मिलते हैं. तो डाउन में कुछ नहीं मिलता आपको. अप में आपको यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिलता है. तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट ऊपर है और यहाँ पर बटन्स मिलते हैं. तो इस प्राइस के बजट में 1500 में टच फ़ोन आ जाए बहुत ही बड़ी बात है. हालांकि आजकल सेल फोन्स भी अच्छे मिलना 1500 में मुश्किल हो रहे हैं. चलिए मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ. ये है तो बहुत थिक फ़ोन देखा जाए, लेकिन लगता बिल्कुल नहीं है थिक, क्योंकि ये बहुत स्लिम फ़ोन, स्लिम नहीं बहुत लाइट फ़ोन है. यहाँ पर आपको ड्यूल सिम मिलता है, एक 3G सपोर्ट करता है और एक 2G सपोर्ट करता है. एक्सपेंडेबल मेमोरी 16 GB से अबव दी गई है. यहाँ पे 1.3 mm का मिलता है कैमरा और बैटरी आपको रेक्टेंगुलर दी गई है. तो चलिए अब आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ. यहाँ पे तो बैटरी रेक्टेंगुलर दी गई है और बैटरी भी बहुत स्लिम है. यहाँ पे आप बैटरी में आपको जेन मोबाइल लिखा हुआ दिखता है, zenmobile.in लिखा हुआ दिखता है, प्लस माइनस लिखा हुआ दिखता है. बैटरी के पीछे देखें तो बैटरी है 1400 mAh की बैटरी है. Li-ion 3.7 वर्जन का है और मेड फॉर जेन, जेन की ब्रांडिंग भी लिखी हुई है बैटरी के ऊपर. तो चलिए बैटरी को रख देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन के अंदर क्या खजाना है. तो ऑन ये यहाँ से होता है और ये बहुत जल्दी बूट अप हो जाता है. और स्टार्टिंग में आपको जेन मोबाइल लिखा हुआ दिखता है, सारा सफ़ेद होता है पीछे. बहुत जल्दी बूट अप होता है फ़ोन, जो कि बहुत अच्छी बात है. देखिए अच्छा सा साउंड भी आता है, लेकिन एनिमेशन इतना भी कोई अच्छा नहीं है जेन का. देखिए ये जल्दी से बूट अप हो गया. ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इस फ़ोन को एंड्रॉयड लॉलीपॉप समझ के लिया था. हालांकि 91 मोबाइल से एक ऐप है, वहाँ से मैंने देखा था कि इसके ऊपर लिखा हुआ था एंड्रॉयड लॉलीपॉप, लेकिन एंड्रॉयड लॉलीपॉप है ही नहीं. ये तो एंड्रॉयड जेली बीन भी शायद लग नहीं रहा है मुझे. इसमें हमें प्ले स्टोर नहीं मिलता है और इसमें हम कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते हैं. अब जैसे कि हमें कुछ डाउनलोड करना है तो हम कुछ नहीं कर सकते. इसमें ऑलरेडी ऐप्स गिवन है, जैसे कि फेसबुक है, उसके बाद व्हाट्सएप भी दिया गया है शायद से. फेसबुक दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेजेस, डायल पैड, सेटिंग्स, ब्राउज़र दिया गया है जो कि ठीक से काम नहीं करता. टॉर्च भी दी गई है, आपको टॉर्च दिखा देता हूँ एक बार. और इसमें टॉर्च ऐसी है, इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं है. अगर हम फ्लैश के मामले में तो टॉर्च ठीक है, लेकिन अगर इस बाकी फ़ोनों से कंपेयर करें तो टॉर्च बिल्कुल अच्छी नहीं है. तो टॉर्च साइड में
इसमें वाईफाई भी नहीं, वाईफाई का सपोर्ट भी नहीं है, और तो बहुत सारी बुराइयां भी है इस फोन में। स्लो, बहुत स्लो फोन है, हालांकि कह रहे हैं 3G फोन है, लेकिन ये 2G की स्पीड का भी नहीं लग रहा मुझे। इसमें हम अगर हम कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं डायल पैड में, हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ता है, तो हमें जैसे कि कोई कॉन्टैक्ट्स ढूंढने हैं तो हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, और जैसे कि हमें कोई कॉन्टैक्ट ढूंढने, तो यहाँ पे ABCD नहीं आएगा अलग से, हमें ए को ऐसे ऐसे प्रेस करना पड़ेगा। जो मैं फोकस कर देता हूँ एक बार आपको, हाँ, जैसे हमें एल लिखना है तो हमें ऐसे प्रेस करना पड़ेगा 3 बार। तो ये बहुत ही पुराना वो है, हालांकि ये टच फोन कह रहे हैं लेकिन ये स्मार्टफोन है। चलिए, इसमें कुछ अच्छी बातें भी है, इसमें FM रेडियो मिल जाता है आपको, साउंड रिकॉर्डर मिल जाता है, उसके बाद क्लॉक मिल जाती है, जो कि ऐसे फ़ोनों के लिए ठीक ही है, आप कुछ एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते। लेकिन बहुत ही बुरी बात है कि इसमें वाईफाई नहीं है, वाईफाई नहीं है, और हम मैंने ब्लूटूथ से इसमें हॉटस्पॉट डालने की कोशिश की वाईफाई, लेकिन वो भी नहीं चला है। प्ले स्टोर भी नहीं है इसके अंदर, और इसका लॉन्चर बहुत ही गंदा है। लॉन्चर चेंज करना है तो मुझे पता नहीं चेंज करना कैसे करते हैं। अगर मुझे कहीं से भी पता चले तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्चर इसमें कैसे वो करते हैं। कोई वॉलपेपर के अलग इसमें ऑप्शंस नहीं है, जैसे मैं क्लिक किया, सॉरी, यहाँ से क्लिक करते हैं इसमें, तो वॉलपेपर में हम गए तो यहाँ पे मोर पिक्चर्स पे क्लिक किया तो हमें कोई वॉलपेपर नहीं मिलता, और अगर हम कोई पिक्चर खींचते तो इसमें कोई इंटरनल मेमोरी नहीं है। जी हाँ, इसमें कोई रोम नहीं है, और रैम वो लोग कह रहे हैं 1 GB की है, मुझे लग तो नहीं रहा है 1 GB की है। तो अब अगर हम सेटिंग्स में जाकर देखते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमें क्या क्या मिलता है। एक मिनट, फोकस कर देता हूँ फिर से, मैं सेटिंग्स में आपको जाकर दिखाता हूँ क्या क्या है। तो फोन सेटिंग्स मिलता है आपको, डिस्प्ले सेटिंग्स, कॉल सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स मिलते हैं, कनेक्शंस मिलते हैं, SOS मिलता है। कनेक्शन में आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको नहीं मिलता है वाईफाई का ऑप्शन। पीछे जाते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स में, तो आपको पिन मिलता है, प्राइवेसी लॉक मिलता है स्टार्टिंग में, ऑटो लॉक्स मिलता है, फोन आप पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद कॉल सेटिंग्स में जाकर देखें तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन ये भी सेल फोन में मिलते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर देखें तो यहाँ पे अभी स्क्रीन लॉक सिर्फ 2 तरह के हैं, आईफोन स्टाइल स्लाइड लॉक या स्मार्ट स्लाइड लॉक। तो मतलब आईफोन जैसा ही क्लोन इनने बनाया हुआ है, हालांकि आईफोन में भी ऐसा नहीं होता है। मेन मेन्यू स्टाइल यू मेन्यू है, मैट्रिक्स मेन्यू भी होता है, वो मैं ट्राई करके देखूंगा। वॉलपेपर सेटिंग्स, वॉलपेपर 1 है, ये मैंने आपको बताया था, और नहीं है वॉलपेपर। अगर मैं इसको फुल ब्राइटनेस करूँ तो आप देख रहे हैं फुल ब्राइटनेस में इतनी अच्छी स्क्रीन क्वालिटी नहीं लग रही है, हालांकि कह रहे हैं कि 720x720p है, मुझे तो वैसे भी नहीं लग रही है। तो और इस फ़ोन के कलर्स जो है अंदर के, वो एकदम अच्छी क्वालिटी के नहीं लग रहे हैं, उसमें इतना अच्छा इफेक्ट नहीं बन रहा है। और अगर हम कैमरे की बात करें तो हम कैमरा भी आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम फोटो खींचते हैं, जैसे S4 है, उसकी हम फोटो खींचेंगे। पहली बात तो इसमें हमें SD कार्ड ही डालना पड़ता है, इसमें 0 रोम है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लर ब्लर सी आ रही है इमेज, मतलब इतने पास से भी इमेज नहीं अच्छी आ पा रही है, पीछे से देखे तो कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं फोटो खींचूँ तो SD कार्ड के लिए मांगेगा कि नॉट इनफ स्पेस, तो इसमें अलग से हमें कोई स्पेस भी नहीं मिलती है। तो ये इस फोन के लिए बहुत बड़ी बुरी बात है कि इसमें अपनी खुद की कोई स्पेस नहीं है, इसमें SD कार्ड डालना पड़ता है। इसकी अच्छी अच्छी बातें ये है कि इसमें डुअल सिम मिलता है आपको, ये 1500 रुपीज़ में 4 इंच का फ़ोन है, जिसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। इसमें आपको एक टॉर्च भी मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और जी, रैम बोला है इसके अंदर 1 GB मिलेगी, लेकिन रैम भी 1 GB नहीं है। अब आपको इसकी कॉल क्वालिटी दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, कॉल क्वालिटी मैं आपको 1-to-1 पे कॉल करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इसमें कोई स्पीकर का ऑप्शन भी नहीं है, तो इसमें स्पीकर की जगह हैंड्स फ्री लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कॉल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है,
छोटी वाली तो कम वॉल्यूम वाला आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा होगा, और फुल वॉल्यूम करता हूँ तो भी बहुत गंदी क्वालिटी का साउंड है। तो फ़ोन की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मैंने तो इसको लिया था इसके स्पेक्स के ऊपर, लेकिन वो सारे स्पेक्स झूठे निकले। कैमरे का बात बहुत बोला था इन लोगों ने, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या बोला था। जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरे का इन लोगों ने बोला था कि 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, जिसके आप देख सकते हैं मैं जेन फ्लेयर पे हूँ। यहाँ पे जेन फ्लेयर मैंने वो किया हुआ है, मैं फोकस कर देता हूँ, यही फ़ोन है जो हमारे पास है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या बोला था इन लोगों ने स्पेक्स में जाकर, मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, लेकिन इसमें फ्रंट कैमरा ही नहीं है। 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, प्राइमरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, इतना गंदा। इसके बॉक्स में लिखा हुआ है 1.3 मेगापिक्सल का है। उसके बाद इमेज रेजोल्यूशन इतनी अच्छी बताई गई है, एच डी आर मोड क्या झूठ लिखा गया है। आप देख सकते हैं 91 मोबाइल्स में क्या क्या लिखा हुआ है इस फ़ोन के बारे में। तो ISO कंट्रोल, एक्सपोजर कंपनसेशन, इसमें कोई ऐसी सेटिंग्स में ऑप्शन नहीं है कैमरे में जाकर। कैमरे मैंने फ़ोन कैमरे के लिए ही ख़रीदा था, अब मुझे नहीं पता था इतना गंदा कैमरा होगा इसका। कोई सेटिंग्स ऑप्शन ही नहीं है इसके कैमरे में, है लेकिन उसमें इतना सिर्फ कैमरा मोड और वीडियो मोड है। यहाँ पर ब्राइटनेस, यहाँ पर स्टाइल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही बकवास कैमरा है। यहाँ पर कैमरा मोड, वीडियो मोड है, यहाँ पे ब्राइटनेस सेटिंग्स है बस, ऑटो नॉर्मल जो सेटिंग्स होती है ग्रीन येलो ब्लू बचपन जैसी। यहाँ पे क्वालिटी एडवांस्ड है, एडवांस भी बहुत ही गंदी है। साइज़ यहाँ पे हाईएस्ट 1280x7960 pixels है, जबकि यहाँ पर लिखा है 3264x2448 pixels। मैं एक बार फिर से फोकस कर देता हूँ यहाँ पे, तो सब कुछ झूठ लिखा है यहाँ। चलिए, जो उन्होंने झूठ बोला वो तो बोला। चलिए अब बात करते हैं कि आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। जी दोस्तों, 1500 रुपये में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, कि जो भी फ़ोन आप ख़रीदते हैं इस रेंज में तो वो आपको कचरे फ़ोन मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और मैं इसकी भी ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, इसकी भी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप देख सकते क्या क्या झूठ बोलकर इन लोगों ये लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं फ़ोन की, तो अच्छी बात तो नहीं है। चलिए, उन्होंने जो झूठ बोला वो बोला, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक फ़ोन है 1500 में। अगर आपका आपको कॉलिंग के लिए रखना है, और मतलब अपने जैसे आप जैसे बाहर जाते हो तो आपको सिर्फ पॉकेट फ़ोन चाहिए, तो ये स्मार्टफोन ठीक ही है। आप इसको आईफोन समझ के तो डेफिनेटली नहीं ले सकते, क्योंकि बिल्कुल वैसा है ही नहीं, ये बस डिज़ाइन में वैसा है। तो अब ये आपके ऊपर है दोस्तों, मैंने तो अपना सारा कुछ बता दिया इस फ़ोन के बारे में कि क्या क्या है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।